देख रहे हैं CN24। जनपद में अपराध और अपराधियों पर प्रभावी नियंत्रण लगाने के लिए वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक शलभ माथुर द्वारा लूट की घटनाओं पर अंकुश लगाने तथा लुटेरों की गिरफ्तारी हेतु अभियान चलाकर गिरफ्तार करने के लिए एक विशेष टीम का गठन किया गया है। इसी क्रम में सिकरीगंज थाना क्षेत्र में तराना पुल के पास मौजूद मुखबिर की सूचना पर 25,000 के इनामी कुख्यात अपराधी रामा यादव को गिरफ्तार किया गया, जिसके ऊपर गोरखपुर और संत कबीर नगर जिले के विभिन्न थानों में एक दर्जन से भी ज्यादा मुकदमे दर्ज हैं। इस संबंध में पुलिस सभागार में वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक शलभ माथुर ने बताया कि मुखबिर की सूचना पर पुलिस अधीक्षक दक्षिणी के नेतृत्व में एसपी क्राइम आलोक शर्मा व स्वॉट टीम ने घेराबंदी कर एक बाइक सवार दो व्यक्तियों को रोकने की कोशिश की, जिस पर अपराधियों ने पुलिस टीम पर फायरिंग कर दी। अपने बचाव में टीम ने जवाबी फायरिंग में एक व्यक्ति को धर दबोचा तथा दूसरा व्यक्ति भागने में सफल रहा। पकड़े गए व्यक्ति की पहचान 25,000 के इनामी कुख्यात रामा यादव के रूप में हुई। उसके पास से एक तमंचा, कारतूस व नकदी बरामद हुआ। रामा यादव संत कबीर नगर गोरखपुर जिले में लूट की कई घटनाओं में वांछित रहा है। उसके ऊपर एक दर्जन से ज्यादा मुकदमे दर्ज हैं। वहीं गैंग के रजनीश यादव और झिनक यादव नाम के दो शातिर अपराधी अभी भी पुलिस की पकड़ से दूर हैं। पुलिस लगातार अपराधियों को पकड़ने के लिए दबिश कर रही है। मूलतः खजनी थाना क्षेत्र का रहने वाला है। इसके ऊपर 25,000 रुपये का इनाम था। इस माह की शुरुआत में घटना का अनावरण हुआ था, जहां पर इसका नाम प्रकाश में आया। 4 जुलाई 2018 को इसके ऊपर 25,000 रुपये का इनाम किया गया था और बेसिकली इसकी गिरफ्तारी से बहुत सारी घटनाओं का अनावरण हुआ। ये इस व्यक्ति की काफ़ी क्रिमिनल हिस्ट्री है, पूर्व में जेल भी जा चुका है। 2015 से ये लूट की घटनाओं के अंदर एक्टिव है। मूलतः जैसा मैंने बताया खजनी का रहने वाला है। इसके अंदर इसने कई जघन्य तरीके के अपराध किए हैं और बेसिकली यहाँ पे ये गोली मार के लूट करना, इसके अंदर एक आलू व्यवसायी के साथ घटना हुई थी जो कि जनवरी माह के अंदर थाना गगन में हुई थी, जिसके अंदर गोली मार के लूट हुई थी, उसकी आँख भी बाहर आ गई थी। आप देख रहे हैं CN24।